हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आई वेलकम यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, हर कोई जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर आदमी वैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता जैसी उसे चाहत है। वजह एक ही है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो दोस्तों, आज हम उस आइडिया पे बात करेंगे। वो आइडिया क्या है और उसे हमें कैसे करना चाहिए। आइडिया आपको आपकी मंजिल के बहुत करीब लाए जाएगा, एक आइडिया जो आपकी बदल देगा दुनिया। आज लोगों के पास बहुत से आइडिया हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन क्या आइडिया होना, क्या जानकारी होना, क्या नॉलेज होना सफलता का परिचायक है? नहीं। हाँ, ये पहली सीढ़ी जरूर है, पहली बात जरूर है। आज लोगों के पास बहुत सी जानकारियां हैं, उन्हें चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हो आप। आप उनसे मिलोगे तो लोग एक से एक आइडिया बताएंगे, आपसे ऐसी बात करेंगे कि उन्हें सब नॉलेज है और आप उनसे इजीली प्रभावित हो जाओगे। बट मेरे दोस्त, डोंट बी एन इम्प्रेसिव मशीन। आप इम्प्रेसिव मशीन मत बनो, आप इंफॉर्मेशन की मशीन मत बनो, आप गूगल मत बनो। आप यदि किसी से मिले और आपको वो एक से एक जानकारी दे तो आपको लगेगा कि वाह, क्या आदमी है, क्या जानकारी है इसकी। बहुत आसानी से आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये इंसान तो बहुत सफल होगा। क्यों? क्योंकि इसे बहुत जानकारी है, लेकिन वास्तव में वो सफलता से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि वही आइडिया। और आइडिया क्या है मेरे दोस्त? कि एग्जीक्यूट नहीं करना। कोई भी आइडिया यदि आता है और आप उस आइडिया पे काम नहीं करते हो तो आइडिया अपने आप में वैसे ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आइडिया बड़ा नहीं होता है, एग्जीक्यूशन बड़ा होता है। आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां देखते हैं, ये सब एक आइडिया से खड़ी नहीं हुई है। एक आइडिया तो सिर्फ सिंपल था, उस पर काम किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया, इसलिए बड़े बड़े एम्पायर खड़े हुए। यदि ज्ञान का उपयोग न किया जाए तो एक अनपढ़ आदमी और एक पढ़े लिखे आदमी में अंतर नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी को ज्ञान होता है और वो ज्ञान का उपयोग यदि ना करे तो अनपढ़ आदमी के पास ज्ञान नहीं होता, उसके बराबर ही वो हो जाएगा। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो कि दो दोस्त हैं, एक राम एक श्याम। राम को 100 आइडियाज हैं उसके पास, उसे 100 बातों के बारे में जानकारी है, और शाम को सिर्फ 5 बातों के बारे में जानकारी है। राम जो है, 100 आइडिया है राम के पास, लेकिन राम उसमें से सिर्फ 3-4 आइडिया पर भी ढंग से काम नहीं करता, जबकि शाम के पास सिर्फ 5 आइडिया है और वो 5ों आइडिया पे ढंग से काम करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, आप खुद बताइए, ज्यादा सफल कौन होगा, राम होगा कि शाम होगा? शाम 5 आइडिया पे काम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, इसलिए शाम ज्यादा सफल होगा। तो दोस्तों, डोंट बी एन इंप्रेसिव मशीन, डोंट बी एन इंफॉर्मेशन मशीन, जस्ट बी एन एग्जीक्यूशन मशीन। एग्जीक्यूट ज्यादा कीजिए। यदि आइडिया कोई आ गया है तो आइडिया को पकड़ के विचार कीजिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। 90% लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते कि वो एग्जीक्यूट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी है, लेकिन वो इस पे काम नहीं करते। अब काम क्यों नहीं करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे बहाने देखे जा सकते हैं। जैसे बहाना नंबर 1, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे, क्या अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग सारे सफल हो गए? या जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है वो कभी सफल ही नहीं होगा। बहाना नंबर 2, मेरी उम्र ज्यादा है या मेरी उम्र कम है। तो क्या ज्यादा उम्र के लोग सफल नहीं हो रहे हैं? हो सकते हैं। क्या छोटी उम्र के लोग सफल नहीं हुए? बिल्कुल हुए, ढेरों उदाहरण है। तीसरा बहाना है, मैं शहर को बिलोंग नहीं करता, मैं शहर में नहीं रहता, मैं गांव में रहता हूं। तो क्या शहर में रहने वाले सभी लोग सफल हो गए, या गांव में रहने वाले लोग सभी असफल ही रहेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप जानते हो। चौथा बहाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या पैसा होना ही सफलता का परिचायक है? यदि पैसा होगा तो ही मैं सफल होऊंगा। क्या गरीब आदमी कभी सफल नहीं होगा? गरीब आदमी कभी बड़ा नहीं बनेगा। एक और बहाना आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो क्या पढ़े लिखे लोग सारे सफल हो गए? नहीं। क्या अनपढ़ लोग कभी सफल नहीं होंगे? और भी ढेरों उदाहरण है, जैसे मेरे पास समय नहीं है, या मैं अवसर का इंतजार कर रहा हूं। इस तरह के ढेरों बहाने बनाए जा सकते हैं। काम सिर्फ इतना करना है दोस्तों, कि जो आइडिया आए, जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली है, उस पे काम करना शुरू कर दे। सक्सेस और सुपर सक्सेस का संबंध ज्यादा आइडिया से नहीं है, किससे संबंध है? एग्जीक्यूशन से ज्यादा संबंध है। तो दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है?
बस यही समय है। आपने ये वीडियो देख लिया, आपको आइडिया समझ में आ गया कि यदि आप किसी चीज को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो तो फिजिकल रूप में आपको दिखने लगेगी। अभी से इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो, अभी कॉपी पेन उठाओ, अभी वो पांच काम लिखो जो पांच काम करने से आपको सफलता आ सकती है। आपने जैसे ही काम शुरू किया, आपने जैसे ही लिखना शुरू करोगे, आपको ढेरों चीजें दिखेगी और आपको दिखेगा कि यदि इस आइडिया पे मैंने काम कर लिया तो आपको सफलता आ जाएगी। तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कि आप ऐसे कौन से आइडिया हैं जिन पे काम करने से आपको सफलता आ जाएगी। और दोस्तों, मेरा फोन नंबर है ही आपके पास, यदि आपको कहीं भी समस्या आती है, कहीं भी कंफ्यूजन आता है, आप तुरंत फोन लगाएं। चिंता बिल्कुल ना करें, देर बिल्कुल ना करें, वैसे ही हम ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं, तो अब वो आइडिया ले और काम शुरू करें। सो गेट अप, वर्क ऑन योर एक्शन प्लान, बी हैप्पी, बी पेशनेट, लव योर जॉब, लव योर वर्क एंड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।